अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये रंग हमारे दोस्ती के नाम। हाँ, हमारे दोस्ती के नाम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चाहे कुछ भी हो जाए, रूही को नहार के साथ और राधिका को दिव्यम के साथ हम होली नहीं खेलने देंगे। बाहर स्नैक्स खत्म होने वाले, मैं किचन से और स्नैक्स लेकर जाती हूँ। आवाज कहाँ से आई? बचाओ, बचाओ, प्लीज। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। किसकी आवाज थी? कहाँ से आ रही थी? तो स्टोर रूम से आ रही है। कहीं कोई स्टोर रूम में तो फंस नहीं गया है ना? कौन है? किसी ने मुझे आवाज दी थी क्या? कोई है क्या यहाँ पर? दरवाजा किसने बंद किया? अग्नि, अग्नि, ये तुमने क्या किया? अग्नि दरवाजा खोलो। अब तुम्हारी बारी। राधिका जी, तुमने रूही को देखा है क्या? अभी तो यहीं पर थी, शायद अंदर गई होगी। अच्छा, वो एक्चुअली यहाँ पे गुलाल खत्म हो गया था। तुम्हें पता है क्या गुलाल कहाँ है? मतलब तुम यहाँ पहले भी आई हो ना? हाँ, अंदर स्टोर रूम में ही होगा। तुम प्लीज जाके गुलाल ले आओगी? जी। यहाँ पर तो गुलाल गिरा हुआ है, इसका मतलब होली का सामान इसी कमरे में होगा। हम जाकर लेकर आते हैं। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हवा से बंद हुआ है क्या? कोई है? कोई बाहर है क्या? यहाँ मंदिर बंद हो गए हैं। राधिका के वजन की वजह से हर जगह हमारी नाक कटी है, और आज आज उसके हाथ की बनाई हुई गुजिया की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। थैंक यू। सुजाता, तुम ये सब छोड़ो और ये लो, पान खाओ और गम बुलाओ। रोना, चलो। कैसी है? अब जब ये भांग वाला पान अपना असर दिखाएगा तब आएगा मजा। सुजाता क्या कर रही हो ये? सुजाता रखो इसे वहां पे। मुन्ना के पापा, आपने हमको हमारे मुन्ना के साथ बाहर क्यों नहीं जाने दिया? बताइए क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? गोलू के पापा, आप काम क्यों नहीं करते हो? ये क्या बचपन है, रखो इसे नीचे। एक मछली पानी में। Thank you.
ऐसे ढूंढ रही हो क्या? हाँ, ये तुम्हें कहाँ मिला? किसी ने ठंडाई के पीछे छुपा दिया था। फिर तो ये भगवान का इशारा है कि किसी ठंडाई में मिला के रंग जमा दिया जाए। कोई है? हम यहाँ फंसे हुए हैं, प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। आवाज़ तो राधिका की। राधिका, तुम कहाँ हो? रोही, राधिका, राधिका तुम हो क्या? रोही, दीवार के उस पर तुम हो क्या? हाँ हाँ राधिका, मैं ही हूँ। मैं स्टोर रूम में बंद हो गई हूँ, पर तुम कैसे बंद हो गई? रोही और हम यहाँ पे गुलाल रूम में बंद हो गए हैं। रूही, शायद ना हवा से दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता है क्या? अगर हम ज्यादा देर तक गायब रहे ना तो दिव्यम जी बहुत परेशान हो जाएंगे हमारे लिए। रूही कहीं नजर नहीं आ रही। राधिका भी कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। एक्चुअली रूही की आदत है, उसने हमेशा दूसरों की परवाह रखती है और खुद के बारे में भूली जाती है। एंड आई एम श्योर उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। राधिका की भी ना यही आदत है, ये दोनों बहनें एक जैसी हैं। बिल्कुल सही कहा। सच में दोनों बच्चियां बहुत ही खुशनसीब हैं कि इतनी परवाह करने वाले पति मिले हैं उनको। ये लीजिए आप दोनों के लिए ठंडाई। सही किया तुमने, ठंडाई कली के हाथ से भिजवा के। थैंक यू अंकल, आप लीजिए ना प्लीज। हाँ दादू, आप लीजिए। मैंने अभी अभी पी, आप लोग पियो। अरे लो यार, चलो मैं आता हूँ। चीयर्स। शायद ना हवा से दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता है क्या? राधिका, राधिका तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस कमरे में तुम बंद हो ना, उस कमरे में ध्यान से देखो, वहाँ पर एक शेल्फ होगा, उसके पीछे एक छोटी सी खिड़की होगी, वो खिड़की बाहर की तरफ निकलती है, तो तुम उस खिड़की के जरिए आराम से बाहर निकल सकते हो और फिर तुम मेरा कमरा भी खोल सकते हो। देखो। ठीक है रूही, हम देखते हैं। रूही,
की खिड़की तो बहुत ज्यादा छोटी है, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हम फंस जाएंगे इसमें। राधिका, तुमने वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी गुफा के बारे में सुना है क्या? हाँ हाँ सुना है हमने। तुम्हें पता है ना वो गुफा कितनी पतली है, पर जो लोग श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं वो आसानी से उस गुफा में घुस जाते हैं, चाहे वो कितने भी मोटे हो, कितने भी वजनदार हो। राधिका तुम अपने वजन की फिक्र मत करो, बस तुम पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेकर उस खिड़की को पार करने की कोशिश करो, तुम कर लोगे। जय भोलेनाथ। कैसे हुआ, हम इतनी सी खिड़की में से बाहर कैसे आए? हम पतले हो गए क्या? नहीं नहीं हम तो वैसे ही हैं। वही सच कह रही थी, अगर श्रद्धा सच्ची हो ना तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। राधिका होना मैं ठीक, तुम ठीक हो ना? चलो होली।